पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तल तल गितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 हे भारत माता की जय। देखिए सबसे पहले तो सभी भारतवासी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज जैसे आप सबको पता है कि आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है और 1950 से ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं और मुझे लगता है कि हम भारतवासियों ने उसका सही से उपयोग करना चाहिए। सर आज आप बहुत सारी जगह पर गए, यहाँ पर आके थोड़ा सा बताइए कैसा लगा और जब आप लोगों से मिले क्या रिएक्शन था? 20 साल से पिछले 20 सालों से मेरा शास्त्री नगर से बहुत ही करीबी संबंध रहा है। उनके अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया और जब जब उनकी खुशी का मौका होता है तो मुझे प्यार से बुलाते हैं और यकीनन हम तक पहुंचते हैं। हम सब आपसे जानना चाहूँगा, आज का जो मौका है वो तो खास है लेकिन अजय सर ने जिस तरह का काम किया है, कोविड की बात करें या फिर कोविड के पहले भी जिस तरह से लोगों के साथ काम किया, सर क्या कहना चाहेंगे? अजय सर कोविड से नहीं बल्कि उससे पहले जब भी गरीबों को और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ी हमेशा साथ में रहे, लेकिन कोविड का जो हमारा ज़माना था वो बहुत सख्त ज़रूरत थी कि कोई आगे आए और आगे बढ़े। लोग दूर भाग रहे थे, सर गरीब हो रहे थे, लोग खाना खुद खा रहे थे, सर दूसरों को खिला रहे थे और झोपड़ों में घरों में जहाँ कहीं अकेले तन्हा लोग थे, दूर दराज सिर्फ यारी रोड का हल्का नहीं इससे बाहर निकलकर सर की टीम पहुँची है, सर ने खिदमत किया है। 2 साल में जो किया है उसको हम अपनी ज़बान से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला सर के साथ भला करे और हमेशा इस तरह खिदमत करते रहें। जो टीम है सर की एकता मन बहुत खूबसूरत काम कर रही है, हर कोई उससे संतुष्ट है और हम सब आभारी और शुक्रगुजार हैं उस टीम की और दुआ है कि वो टीम और आगे बढ़े और काम करती रहे। सर आज का दिन खास है, गणतंत्र दिवस है, आज हमारे देश का संविधान लिखा गया है, शास्त्री नगर से किस तरह का रिश्ता रहा है? वैसे तो वर्षों के साथ पूरा जो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन शास्त्री नगर से जैसे अजय सर ने कहा कि 20 साल से वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, कैसा रिश्ता रहा है यहाँ के लोगों के साथ? सबको तो पहले बधाई बात कि गणतंत्र दिवस का सर का रिश्ता खाली शास्त्री नगर से नहीं है, सर की पैदाइश ही इस वर्षों की है, सर इस मिट्टी में जन्मे हुए हैं तो सर को हर एक उस इंसान की फिक्र होती है जो सर से जुड़ता है, तो नहीं भी जुड़ा हो उसकी भी फिक्र होती है। ये मैंने सर को कोविड काल में काम करते हुए देखा कि जहाँ भी लोगों की ज़रूरत कोई भी चीज़ की हो, वो अगर मार्केट की समस्या हो, वैक्सीन की समस्या हो, अगर स्टीमर घर घर तक पहुँचाना है, सर ने हर तरीके से उनकी सेहत इतनी
ऐसी नहीं है कि वो पब्लिक में जाके काम कर सकते थे, डॉक्टर बार बार उनको मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उस चीज़ की फिक्र नहीं करते हुए उन्होंने पब्लिक में जाके काम किया। अगर बोले आज मैं काम नहीं करूँगा, लोगों की जाने नहीं बचाऊँगा, लोगों के साथ नहीं रहूँगा, तो शायद लोग मुझे याद नहीं रखेंगे। जो लोगों ने प्यार सर को दिया है और सर ने वही प्यार उनको उसी तरीके से जब लोगों को ज़रूरत पड़ी तो सर उनके लिए खड़े। सर आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि आज का दिन सबके लिए खास है, पूरे देशवासियों के लिए, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जो हमारी जनता आपको देख रही है और जो देशवासी आपको देख रहे हैं सामने? जैसे कि आज गणतंत्र दिवस पे सिर्फ यही कहेंगे जो वीर शहीदों ने अपने जानों की कुर्बानी दी, और ख़ास करके हमारे वीर सैनिकों ने जिनके वजह से आज हमने जो हमने फ्रीडम पाया है, स्वतंत्रता पाई है, उसके लिए जो स्वतंत्रता हमने पाई है उसको इसी तरह से बरकरार रखना चाहिए और अमन प्रेम और शांति के साथ पूरे देशवासियों ने रहना चाहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया।